भुवनेश्वर उद्घाटन होइछि अखिल भारतीय साहित्य परिषदर तीन दिनिया कार्यक्रम। आज द्वितीय दिन में सोआ विश्वविद्यालय मुख्य अतिथि भाव में जोग देइछन्ति आरएसएसर संघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत। आज कार्यक्रम में विभिन्न राज्यर 300 अधिक साहित्यिक पहुंची। आज कार्यक्रम में 17 जन साहित्य विद्वान को सम्मानित करेंगे डॉक्टर भागवत। सार्वजनिक कार्यक्रम किया है, क्यों किया है? साहित्य परिषद का काम तो साहित्य परिषद के कार्यकर्ता करते हैं, लेकिन बहुत प्रकार के प्रयास होते हैं एक काम करने के। यहां भाषण देने के लिए आना है तो पहले आना पड़ता है, प्रवास करना पड़ता है, इसी कई बातें करनी पड़ती, यहां माइक की व्यवस्था करनी पड़ती, ये सारा संचालन करना पड़ता है कार्यक्रम। यहाँ के भाषण करना है ना, मेरे अकेले का काम भी है तो भी, इतने सब लोग अपना काम करेंगे तब मेरा काम इसी, माइक वाले ने गड़बड़ कर दी तो क्या होगा? तो प्रयोजन सफल करने में पूरे समाज का हाथ लगता है। पांच जो बताए हैं फैक्टर्स किसी भी कार्य की यशस्विता के लिए, अधिष्ठान, वैचारिक अधिष्ठान, उसका वर्णन हो गया, तथा कर्ता, वो साहित्य परिषद है उसके कार्यकर्ता है, करणम जो पृथक विधान, अलग अलग प्रकार की कार्य पद्धति, प्रत्येक काम की अपनी होती है, साहित्य परिषद की अपनी कार्य पद्धति होती है, उसके साथ है विविधाश्च पृथक चेष्टा, एकदम भिन्न भिन्न अलग प्रयास करने पड़ते हैं एक काम को यशस्वी करने के, हम उसमें सहभागी हो सकते। ये करते हैं चार तो दैवम च इवात्र पंचमम, चार ठीक होने से पांचवा अपने आप लाइन में लग जाता है, चार ठीक नहीं है तो पांचवा भी आता है, दैव कहिए, भाग्य कहिए, ईश्वर की इच्छा कहिए, वानरवीर तैयार है भगवान राम आएंगे, अर्जुन तैयार है मोहमुक्त होकर चाप बाण हाथ में लेकर रथ पर सवार है कृष्ण सारथ्य करेंगे। हम सबको यह सोचना पड़ेगा कि आज इस कार्यक्रम में उपस्थित रहकर 18 साहित्यकारों का सम्मान, 14 साहित्यकारों का जो अनुपस्थित रहे उनका सम्मान होते हुए हमने देखा, तो एक तो प्रयोजन आपने साध्य कर ही लिया, साहित्य परिषद को प्रोत्साहन मिला, आप यहाँ उपस्थित है उनको अच्छा लगा, उनका उत्साह लगा। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।